भवसागर से तरना क्या है, भवसागर कहां है? मन भवसागर है, उसके साथ साथ तन भवसागर है, परिवार भवसागर है, समाज भवसागर है, संसार भवसागर है, और इसमें उथल पुथल आते हैं। खास उथल पुथल मन का है, उससे तर गया, सबसे तर गया, लेकिन वो सीधे तुरंत नहीं होता है। पूरा जीवन साधते साधते तब वो होता है। अपने मन के भवसागर को जीते, तन के भवसागर को जीते, परिवार समाज के भवसागर को जीते, संसार के भवसागर को जीते, राजनीतिक जो उथल पुथल आती है उसके लिए उसके भवसागर को जीते, सब जगह जीतने से भवसिंधु से पार होना होता है। राजनीतिक उथल पथल होने पर काफी विचलन हो जाती है, कुछ दिन में शून्य हो जाता है, कोई उसको पूछता ही नहीं, चर्चा भी नहीं करता, और उसी के हवा में जो उड़ जाता है वो अपनी हानि कर लेता है। सामाजिक उथल पुथल आती है कुछ उत्तेजकों के कारण, और उसमें जो उड़ गया वो अपनी हानि कर लेता। पारिवारिक उथल पुथल आती है, उसमें जो उड़ गया, अव्यवस्थित सोचा बोला किया, वो अपनी हानि कर लिया। शरीर में रोग लगा और कायर हो गया और स्थिर नहीं रहा तो अपनी हानि कर लिया। मन में उथल पुथल हुई तो सबसे बड़ी हानि है। ये सब उथल पुथल में सम रहना, शांत रहना, इस संसार सागर भवसागर को जीतना। जो भवसागर से पार होना चाहे वो अपने को मारे, दूसरे को नहीं। दूसरा अपना अपना सब जाने, दूसरे को कोई मार भी नहीं सकता है, अपने को मारे। गीता में जो लिखा है, बीजक में जो लिखा है, वेद शास्त्र में जो लिखा है, कुरान पुराण बाइबिल में जो लिखा है, गुरबाणी में जो लिखा है, उस सब का मनन करना चाहिए। जीवन में क्या लिखा है, जब तक हमारा जीवन गीता नहीं बनता, कुरान बाइबिल वेद शास्त्र बीजक नहीं बनता, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। शास्त्रों में ही तो बताया गया है, साधना की बात जहां बताई गई है वहां यही बताई गई है, और बातें जहां बताई गई हों तो अलग है। मारकाट भी है किताबों में, लड़ाई झगड़ा भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन जहां मुक्त की बात है, जन्नत और स्वर्ग की बात है, वहां एक ही रास्ता बताया। दासराग युद्ध वेद का प्रसिद्ध है, सातवें मंडल में इसकी चर्चा आती है। वशिष्ठ कहते हैं कि बड़े बड़े फरसे लेकर के लोग युद्ध करने गए, जिसमें किसी को शांति नहीं मिलती, दुख होता है, ऐसा युद्ध भयावह है। इससे छूटने का देव हमें रास्ता बताओ। उन्होंने लिखा है, प्राची दिशा को गए, पूरब को गए,
दासराग युद्ध जहाँ हुआ है, 10 राजाओं का युद्ध, विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित किया था। और उधर से सुदास थे और उनका अपना था, अंत में सुदास की विजय हुई थी, 10 राजा हार गए थे। उसी समय की बात है, वशिष्ठ उस समय सुदास के पुरोहित थे, तो सुदास के ही तरफ से उनका समर्थन था, लेकिन वे स्वयं क्लेशित थे कि जिसमें किसी लाभ नहीं होता है, मार काट ऐसे भयावह संकट से देव हमें बचाएं, रास्ता दिखाएं, स्वर्ग का रास्ता दिखाएं। स्वर्ग चाहने वाले को ये रास्ता ठीक नहीं, शांति चाहने वाले को ये ठीक नहीं। तो उस जगह भी ये बात बताई गई, जहाँ सीधे स्वरूप स्थित गुणातीत अवस्था मुक्ति अवस्था की चर्चा होती है, वहाँ तो सब निर्माण मोहा जित संग जो दोषा इत्यादि कहा जाता है, अंतर बाहर संतुष्ट शांत स्थिर। तो साधना का जो विषय है वो अपने को मारना है। हमारे जीवन के संबंध में जहाँ जहाँ हम गए रहे, कितने लोग मिले, कितने लोग छूटे, वे हमारे साथ क्या व्यवहार किए, सब मर गया। आज का जो है वो कल मर गया, मर जाएगा, सब मर जाता है। इसमें जो जो विचलित होता है उसको बुरा फल मिलता है, जो शांत रहता है उसका फल अच्छा होता है। किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए, सामाजिक पारिवारिक राजनीतिक देशिक उथल पुथल में किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। जो सकारात्मक बुद्धि रखने वाले साधक हैं निर्माण भाव से, उनके लिए कोई परेशानी कभी नहीं है। अपने को मारने में सरल है, कोई हमारी निंदा करे हम निंदा न करें, कोई हमें गाली दे हम गाली न दें। ये किताब में लिखा है तो किताबे में लिखे से काम होगा। हमारा जीवन गीता बनना चाहिए, बीजक बनना चाहिए, उपनिषद बनना चाहिए, वो जीवन में उतरना चाहिए। एक जगह मैं बैठा था, लोग मिलजुल रहे थे, तो मिलते जुलते हैं, पैसा भी चढ़ाते रहते, रुपये चढ़ाते रहते हैं। एक नवयुवक आया मिलने, नाम प्रसिद्ध तो हो ही गया है, नाम की गंदगी हमारी बहुत बढ़ गई है। तो आया था तो बैठा, तो वहाँ तो कुछ नहीं बोला, फिर पत्र मुझे लिखा कई महीने के बाद कि मैं समझता था आप संत हैं, त्यागी हैं, लेकिन आपके सामने पैसा चढ़ रहा था, उसके आपके साधु रख रहे थे, ये समझ में आया। तब मैंने उसको उत्तर, ऐसे पत्रों का लोग उत्तर नहीं देते हैं, अब उत्तर देते हैं तो डांट फटकार देते हैं। मैंने उसको लिखा कि बेटा तुम हमारी महिमा सुने इसलिए समझ लिए बहुत बड़े संत हैं, भूल के मैं संत नहीं, साधु वेश पहना अपने ढंग से जी रहा हूँ, तुमने सच्ची परख की है, तुम्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे साधु मानने का भ्रम छोड़ दो, तुम्हें बहुत बहुत प्यार। तो उसका उत्तर तो नहीं है, बहुत पुरानी घटना है 77 की, कॉलेज में पढ़ता हुआ एक छात्र, ये भिन्न भिन्न प्रदेशों की मैं बात करता हूँ, उसने एक कैलेंडर बना के भेजा कि इसको आप पार्क में छाप दीजिए। मैंने नहीं छापा, पत्र लिखा भैया नहीं छापूंगा, कैलेंडर बहुत है, ये सब मैं कागज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल नाखुश हो गया, मुझे खूब गाली दिया, पत्र लिखा खूब कट लिखा, अज्ञानी मोही दुष्ट भ्रष्ट जो कुछ बन सका कुल लिखा, याद तो नहीं काका लिखा, बहुत खराब खराब लिखा। अब इतने में इसको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बुद्धि उसकी
मैंने उत्तर लिखा, नाम तो अभी भी याद है, प्रिय बेटा नाम ले, मुलाकात नहीं थी, लिखा आशीर्वाद लिखा, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने मुझे निर्देश किया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, जो तुमने लिखा वो सब है वो मेरे में, त्रुटियों के अलावा मेरे में कुछ नहीं, तुम्हारे द्वारा जो सावधानी मुझे मिली है मैं बहुत तुम्हारा उपकार मानता हूँ, बहुत बहुत प्यार धन्यवाद पुनः आशीर्वाद। जब मैं वहाँ गया, संयोग था सहारा अग्रसेन भवन में मेरा प्रवचन चल रहा था, प्रवचन समाप्ति पर था, इससे आधा हाल था, 100-200 लोग बैठे थे, वो लड़का आया, मुझे कुछ आभास हुआ ये लड़का हो सकता है, नहीं भी होता है लेकिन मुझे आभास हुआ। प्रवचन समाप्त हुआ, अपने कक्ष में गया, वहाँ हो गया, मेरे दोनों पैरों को पकड़ करके लिपट करके फूट फूट के रोने लगा, तो मैं समझ गया, तो मैंने नाम लिया, बेटा तुम वही हो? हाँ महाराज वही। और फूट फूट के रोने लगा, हिचकी बधी रही, मैंने कहा शांत हो जाओ बैठो, क्या हो गया? कहे महाराज आपका पत्र उत्तर आया, मैं था नहीं कॉलेज में था, और दराज के रास्ते से पत्र डाल दिया डाकिया ने, मैं आया खोला देखा, तो मैं तो सोचा था आप उत्तर क्या देंगे इसे गाली गुप्ता पर, तो पत्र मिला तो लगा कि आप भी फटकारे होंगे। जब खोला तो पढ़ करके मैं खाट पर गिर गया, बहुत रोया, महाराज मेरे उद्धार का रास्ता क्या है? मैंने कहा उद्धार तुम्हारा हो गया, घबराओ ना, जो तुमने लिखा है वो ऐसा मैं हूँ, हाँ तुमने सभ्यता का बर्ताव नहीं किया, लेकिन सत्य कहने में सभ्यता बर्ताव छूट जाता है, तुमने सत्य कहा, तो और रोने लगा, तो मैं चुप हो गया। फिर जगह जगह मिलने लगा, प्रेमी हो गया, अब तो काफ़ी उम्र हो गई होगी, भरी सभा में, बहुत बड़ी सभा में, जहाँ बहुत आचार्य महंत इकट्ठे थे और भीड़ थी हजारों की, बड़े शान से सब कार्य काम हो रहा था। अब मेरा सम्मान उसमें सबसे ज़्यादा मेरा सम्मान, और कोई मेरे लिए अलग से कुछ नहीं था, लेकिन अब भावना को मैं क्या करूँ, समाज की भावना, जो करवा रहे थे उनकी भावना, किसी भावना को मैं क्या करूँ। तो एक बड़े आचार्य आए, वे समझे कि अब या बड़े आचार्य थे उनका होना चाहिए था, लेकिन अब उन पर लोग परवाह नहीं करते थे, अब परवाह मेरे लिए भी कुछ विशेष थोड़े था, अब सबके अंदर की भावना इस पर है, अब उसको हम क्या करें। जब खड़े हुए बोलने के लिए, आधा पौना घंटा उन्होंने मुझे गाली दी, नाम नहीं लिया, सब जाने, सब दुखी हुए। जब खत्म हुआ उनका, दूसरे संत वाले उसका उत्तर दिए, सब समाज खुश हुआ उनके उत्तर से। मैं बोला, मेरा अंतिम था, रात थी, उनकी बात का मैंने कोई स्पर्श नहीं किया, सहज बोला, बीच में हंसी विनोद भी आया, कहानियाँ भी आईं। जब उठा तो उनका शिष्य मेरे पीछे बैठा था, उसने पैर पकड़ लिया, मैं पैर छुड़ा के आगे बढ़ गया, मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने कहा मेरे साथ क्यों चलते? कि आपका साथ छोड़ने मन नहीं कहता, आप सुने नहीं जो हमारे गुरु जी कहे हैं? मैंने कहा सुन के भी नहीं सुना। और दूसरे दिन उन आचार्य महोदय को कोई नहीं बुलाया, जो आयोजक थे वो भी नहीं बुलाए, खास तो वही थे, लेकिन वो भी नहीं बुलाए। पूरी सभा हुई, सत्कार हुआ, विसर्जन हुआ, चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी टेंट टेंट में, हमारी प्रशंसा हो रही थी। हमने प्रशंसा के लिए नहीं किया, हमें भवसागर से तरना है, कोई क्या कह दिया क्या होता है,
अगर हमारा मन शुद्ध हो तो भवसागर में डूब गया। कहने वाले के पास वही था तो कहे क्या। वस्तु अपना रस टपकाती है, मीठा रस से कोई वस्तु है तो उसमें भी मीठा रस टपकेगा, कड़वा रस किसी वस्तु में है तो वो टपकेगा। तो भवसागर क्या है? यही सब तो भवसागर है। मैं एक प्रदेश में था, एक साधु ने कहा, साहेब अमुक संत आपको बहुत बुरा कहते हैं, बड़ी निंदा करते हैं, दुख होता है, उनको आप समझा दीजिए, आपके पास आते हैं। मैंने कहा कि वो जितनी मेरी बुराई जानते उतने कहते होंगे, और जब मेरी सारी बुराई जानेंगे तो उनको बहुत कहना पड़ेगा। तो हंसने लगे, कहे तो कोई समस्या नहीं है, उनकी समस्या है ही नहीं है। जो भवसागर से तरने की अकल रखे उसके पास समस्या नहीं, समस्या तो अहंकार में है। मिलते थे वो, उसके पहले भी वहाँ मिले थे, कई दिन था। वहाँ से दूसरे गांव जाना था तो आए वो, उनकी उम्र उस समय 75 से ज़्यादा रही होगी, 80 के करीब, बुजुर्ग थे। तो आए हाथ जोड़ के, सामने तो हाथ जोड़ते थे, विनय करते थे, सब करते थे, साहेब वहाँ पर चलेंगे तो रास्ते में हमारी कुटिया पड़ेगी, रुक लीजिएगा थोड़ा। हम के रुक, कोई बात नहीं। गया, खाट बिछाए थे, बैठ गया, और साधु भी बैठ गए। सबका उन्होंने पूजा सत्कार किया, आरती की, चरणोदक लिया। चरणोदक मैं नहीं देना चाहता हूँ किसी को, महाप्रसाद को तो बंदे करवा दिया, चरणोदक का भी बंदे जैसा करवा दिया। मैं कहीं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई चरणोदक गोड़ धो के पिए। दीक्षा में तो ये अनिवार्य था, जो दीक्षा ले चरणोदक लेता है। कितनी दीक्षा होती, चरणोदक कुछ नहीं, साथियों को रोक देता हूँ, इसका इशारा नहीं करना। अब कोई अपने तरफ से वैसा है तब मजबूर हो जाता हूँ। उन्होंने चरणोदक भी लिया, हाथ जोड़ के खड़े हुए, बंदी छोर हमारे लिए कुछ हित की बात बता दीजिए, कुछ बता दिया। अब कहता कि भाई तुम्हारी बुराई करते हो, हम क्या तुम्हारे हित की बात बता सको, तो बेकार की बात होती। मैं कुछ कह दिया, उठ के चल दिया। वे साधु वहाँ थे जो हमसे कहे थे इनको समझा दो, वो कहे तो भीगी बिल्ली बन गई सामने। हम कहे नहीं, ऐसा ना कहो, उनका विचार है। सत्कार जब करते हैं उनका विचार है, तिरस्कार करते हैं उनका विचार है, हमें क्या रहना चाहिए। हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, मोको कोई न जान, इस वाक्य में क्या कम पीड़ा है। सोचने से मीठा लगता, हम तो सबकी कही मोको कोई न जान, मुझे कोई जान ही नहीं पाया, लेकिन तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो रहा है, तब भी अच्छा, आज भी अच्छा है। मैं जुग जुग आन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। ये भवसागर से तरने की दृष्टि है। ये कहने वाला कविता में नहीं लिखा है, जीवन में लिखा है, कविता में पीछे आ गई है। तथागत बुद्ध जा रहे थे अपने टोले के साथ, हम लोग जमाना गाड़ी का है, पैदल चलते थे वे लोग, रथ पर भी बुद्ध कभी नहीं बैठे, शायद स्वाभाविक भी न बैठे हों। साथ साथ महावीर स्वामी का चल रहा था, वो तो बाल भी उखाड़ लेते थे, नंगे रहते थे, आज भी जैनी पैदल चलते हैं, उसके नाते भी शायद वो सोचे भाई हम लोग रथ पर चलेंगे तो ये लोग बड़ी बुराई करेंगे। वे तो मध्यम मार्गी थे तथागत, लेकिन पैदल चलते थे, झुंड उनका चल रहा था, पीछे एक साधु झुंड चल रहा था, उसमें बुद्ध की बुराई हो रही थी। तो कोई सुना तो आके कहा कि भगवान, वो पीछे जो झुंड आ रहा है उसमें आपकी बुराई हो रही है। कहे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, उनके पास जो है कहते हैं। और शांत होके चले गए। ये जीवन है, भवसागर से तरना ही है। एक जगह लिखा है रांगे राघव ने, महावीर स्वामी को और मक्खली गोसाल को एक कुएं में कोई ढकेल दिया,
महावीर स्वामी तो सच्चे विरक्त थे, मक्खी उसाल भी अपने ढंग से थे लेकिन बराबर नहीं थे वे, बल्कि उनकी ज़्यादा नकल करते थे। महावीर से कहें कि तुम जहाँ जाते हो भिक्षा पाते हो, मुझे कई जगह गाली मिलती है। तो महावीर स्वामी कहें कि अपना कर्म फल भोगे साधु। तो कहे कैसा आदमी है, ये भी नहीं कहता है कि वो लोग बड़े खराब हैं जो तुम्हें भिक्षा नहीं देते हैं, तो मुझे ही कहता है कि तुम साधु। दोनों थे, दोनों को किसी ने ढकेल दिया एक कुएं में, कुएं में पानी नहीं था, तनिक तनिक था, दोनों ही पड़ गए। मक्खली कोई पीटा भी था, तो मक्खली ने कहा स्वामी उसने मुझे पीटा। तो महावीर स्वामी ने कहा कि सालो अपना कर्म फल भोग है। मक्खली ने कहा गजब आदमी है, ये भी नहीं पूछता है क्यों पीटा, उसने गलत किया, बस कहता है सालो हर बात में सर। कई झोपड़ियां बनी थी तपस्वियों की एक आचार्य के शिविर में, सब तपस्या एक एक साधु एक एक झोपड़ी में रहते थे, साधना करते थे। पशु आवे तो जब चरने लगे झोपड़ी को, उसमें घास फूस रहा था, वो चरने लगे तो लोग हाँक दें, महावीर स्वामी नहीं हाँके, उनकी झोपड़ी चर जाए। तो आचार्य ने कहा भाई कैसा आदमी है महावीर, आखिर ठाकुर घर का लड़का है, कुछ तो जोश भी तो चाहिए, और पशु नहीं हाँक सकता है, वो पशु भी नहीं हाँके, चल ले। तो मैं नहीं कहता पशु को ना हाँके, लेकिन भाव सागर तरने का अर्थ है अपने को मारना। अब हम उलझते रहेंगे कि लोग हमें क्या कहे, कैसे भाव सागर तरेंगे, दूर के क्या कहे निकट के क्या कहे, जिनसे परिचय ही नहीं वो तो कहते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, जिनसे परिचय है वो कहते हैं, दूर के भी और निकट के भी। ये चोट लगती है मेरे अपने कहे, अपना ही लड़का कहे तो बहुत चोट लगती है, अपना शिष्य कहे तो बहुत चोट लगती है, इसमें अपना पराया क्या, कोई अपना नहीं और सब अपने हैं। अपने आप को ऊपर उठाए बिना कोई भवसागर से तर नहीं सकता है। अपने को मारो, अपने को संभालो। इस पंथ में आया तो कई बातों में मैंने अपने ढंग से सुधार किया। चरणोलग लेने बहुत भरमार थी, उसको करीब करीब बंद करवाया, शीत प्रसाद उसको तो पूरा बंद करवा दिया। आरती को मैं बंद नहीं करवा पासा, भय लगता है लोगों से बवंडर करेंगे, लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ इस आश्रम में मेरे शरीर की आरती ना हो। अधिवेशन के समय भगत भी रहते हो जाए, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सोचता था आरती न करने दो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कहने। जब हो गई तो गुरुछे हमारे कक्ष में गए, तो उनसे मैंने कहा कि आरती जब करना हो एक स्टूल पर आरती चला के रख दिया जाए, सब बैठे रहे आरती गा लें, वहाँ हो गई आरती। तो हंसने लगे, ऐसे कहीं आरती होती है, हम कहीं जब करो तो ऐसे होती है, ऐसे हो जाएगी। तो कम से अब भंडारा यहाँ होता है समय समय से, तो भंडारे के दिन प्राय दूसरे दिन पूजा करते हैं, पूजा कर लें आरती न करें। आरती में जो सुखड़े होते हैं मुझे जैसे लगता है कांटा गड़ रहा है, इस देह की आरती करवाना हमें पाप लगता है, क्या एक कूड़े कचड़े की आरती करो। गुरुछेम से तो मैंने कहा तो वे खंडन किए। चार वर्ष अब हो रहे हैं, चौथा वर्ष लगा है, जन्म दिन मनाने का प्रचलन हमारा शुरू हो गया। हमारे लिए एक सज्जन ने बहुत खोज खाज करके हमारे तिथि मिथि सब उत्साह से किया, कहीं यहाँ भी संदेश दिया, यहाँ भी शुरू हो गया। शुरू तो हुआ एक हमारे ब्रह्मचारी थे,
पंजाब की तरफ रहते हैं, वो बहुत पीछे पड़े आकर के। साहब हम वहाँ वेदांतियों में देखता हूँ गुरुओं की जन्मदिन इतना मनाया जाता है जोश खर्रोश से और बड़ा बड़ा जलसा करवाया जाता है, यहाँ हम भंडारा तो कर सकते हैं, क्योंकि भंडारा करके क्या कर। बहुत डांटा वो, हिन्न हिन्न करता रहा बच्चों के शरीर का। मैंने कहा चल भाई जा। तो बस वही भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी। भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझती है और चटक मटक में स्त्री रीझती है, और भाव भक्ति में साधु रीझते हैं, तीनों निपट अनाड़ी। मैं भी अनाड़ी और कहा जा भाई कर। वो देने लगे रुपया उस समय, भंडारा होने लगा जन्मदिन पर। फिर यहाँ के लोग उत्साहित हुए, उसको और बढ़ा दिए। फिर उत्साह हुआ, शाम को बैठक शुरू हो गई जन्म के दिन। अब बैठक में क्या करते हैं लोग, आभास तो होता था बड़ा ये करते होंगे, लेकिन जब तक कान में नहीं आवे तब तक प्रभाव नहीं पड़ता है। बैठक में मुझे अंत में जाना पड़ता था, उस दिन पूजा करते रहे। तो मैं जब जाता था तो मृत्यु पर बोल देता था, जन्म पर नहीं। मृत्यु निकट है ये सबको समझना चाहिए। 3 वर्ष हुए, अब चौथा लगा है। मैं अपने कक्ष में बैठा था और उस वाले धर्मशाला वाले कक्ष में चल रहा था, वही दिन था। और उस दिन खुली आवाज़ आ रही थी तो मैं सुन रहा था। मुझे सब कांटा के समान लगा, जो मेरी प्रशंसा की जा रही थी मुझे कांटे के समान चुभे, लेकिन कुछ कहा नहीं। सभा में गया, मृत्यु पर बोल दिया। साल भर के बाद मैं कलकत्ता में था तो अपने पास के साधु से धर्म देवेंद्र रहे, मैंने इनसे कहा कि भाई ये बंद करना चाहिए, कम से कम सभा बंद हो जाना चाहिए, ये ठीक नहीं। सभा करें ज्ञान विचार की बात कहें, ये हमारे देह सड़ी देह की बड़ाई ठीक नहीं। यहाँ आया थोड़ा कहा, गत बरस इसको कड़े रूप में लिया कि एकदम बंद होना चाहिए। नाम भी नहीं, ना भंडारा ना बैठक, नाम भी नहीं, भूल जाना चाहिए किस दिन जन्म हुआ। तो जहाँ तक हिम्मत कर पाता हूँ उसको रोकता हूँ। ये शरीर पाप का घर है, सड़ा हुआ है, इसमें तमाम उद्वेग भरे, तमाम विकार भरे, उसका क्षय करके शांत लेना, इसकी आरती नहीं करवाना। और अपने आप को इससे उद्धार करना, अपने आप का भवसागर से तरना, कहीं अलग भवसागर है। ये नाम रूप अहंता ममता, सामाजिक पारिवारिक राजनैतिक उथल पुथल, निकट और दूर के लोगों की भावनाओं के उद्वेग, इन सब से अपने मन को ऊपर उठा लेना। और ये सबके लिए, कोई एक के लिए थोड़े, मेरे लिए है, सबके लिए, सबके सिर पर है। वो गीत में आता है, रिकॉर्डिंग में आता है कि जो समझता है कि वो मूर्ख है वो सबसे मूर्ख है। दूसरे को मूर्ख समझ लेना तो बहुत सहज है। दूसरा आदमी अविवेक पूर्वक काम करता, बुद्धि उसकी ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, हमारा कितना है। दूसरे के लिए सोचना सरल है, अपने लिए सोचना बहुत बड़ी बात है। भय नाम की चीज नहीं होनी चाहिए कि लोग हमें क्या कह देंगे, क्या कर देंगे। कट कहेंगे उसको सह लूंगा, मार देंगे सह लूंगा, मार डालेंगे कोई हर्ज नहीं। इतना जो अपने पर ओढ़ लेगा उसको कोई भय,
कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, भवसागर फिर और कहीं है। शरीर तो ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों का भी होता है जो कष्ट से छूटता है कहीं कहीं। दक्षिण भारत के संत रमण महर्षि, निर्मल संत, 15 वर्ष की उम्र में निकल गए थे। 15 वर्ष निकलने से कोई महत्व तो नहीं है, महत्व तो है जब निर्मल रहा है। 15 वर्ष में, 10 वर्ष में निकल जाए, आगे कूड़ा कचरा बटोर ले तो क्या करेगा? बाल ब्रह्मचारी का ढोंग कुछ काम करेगा? बाल ब्रह्मचारी हैं लेकिन भ्रष्ट हैं, का बाल ब्रह्मचारी। श्री काशी साहब थे, 2 बच्चे, 1 बच्ची, परिवार, नौकरी, 33 वर्ष की उम्र में जाने, 34 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए, 38 वर्ष की उम्र में विरक्त हुए, बुरहानपुर में वर्षों रहे, शायद 27 वर्ष से कितना वर्ष रहे, और अंत में अपने 65 वर्ष की उम्र में बुरहानपुर छोड़ दिए। 64 वर्ष हो, 65 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिया आगरा की तरफ। सब कुछ उन्होंने किया, पारख सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप दिया, लिखा, पढ़ा, संपादन किया, निरपक्षत ज्ञान दर्शन जैसा ग्रंथ लिखा और जीवन मुक्त हुए, पूर्ण जीवन मुक्त होकर के उन्होंने शरीर छोड़ दिया।